हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एसर की तरफ से आने वाले लैपटॉप के बारे में। वैसे तो ये काफ़ी थिन और लाइट लैपटॉप है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इनिशिएटिव का भी अच्छा है कि यहाँ पे RTX 3050 Ti ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जो कि अभी के टाइम में आपको बहुत एक्सपेंसिव लैपटॉप्स में देखने को मिलेंगे, यानी 90 या फिर 1 लाख से ऊपर जाना पड़ेगा आपको, ऐसे लैपटॉप्स में देखने को मिलते हैं। या फिर कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि आपको 90,000 या फिर 80,000 में प्रोवाइड कराते हैं। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, Acer Swift X क्या क्या देखने को मिलता है, डिस्प्ले कैसी है, बैटरी अच्छा है या फिर नहीं, बॉडी कैसी है, प्रोसेसर कैसा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बॉडी वगैरह की। तो बॉडी जो है यहाँ पे डिस्प्ले 14 इंच का है, तो उसके हिसाब से बॉडी जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है। आप वन हैंड लेकर घूम सकते हैं कहीं पर भी, वो सिंगल हैंड ओपन भी हो जाता है ये। और यहाँ पे जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है, इस बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक नहीं है। आप इसे कह सकते हैं कि एवरेज टाइप का प्लास्टिक आपको देखने को मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी बढ़िया भी नहीं है और ख़राब भी नहीं, एवरेज आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है Acer की तरफ से। तो यहाँ पे आपको मिलता है 14 इंच का डिस्प्ले, जो कि आपको 16:9 मिलेगा। बाकी लैपटॉप्स आपको 16:10 देते हैं एस्पेक्ट रेशियो, 16:9 है, 100% sRGB भी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें रिजोल्यूशन की, तो फुल HD प्लस रिजोल्यूशन है यहाँ पे। और अभी कुछ दिन पहले ही कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि 2K स्क्रीन या फिर 3K स्क्रीन, 3.2K स्क्रीन भी देना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पे फुल HD मिलता है और बाकी लैपटॉप्स जितने भी आप देखेंगे आपको फुल HD ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ठीक है, आपको यहाँ पे 100% sRGB मिलती है, तो उसमें ये सारी चीज़ें कमी वो छुप जाती है। 300 nits की ब्राइटनेस है दोस्तों यहाँ पे। तो अगर हम बॉडी में अगर हम पॉइंट्स देने की बात करें तो 9 out of 10 दे सकते हैं, और वहीं अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 10 out of 10 ही देना पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाली है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आपको मिलता है 5800U। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको यू सीरीज वाले प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, जो कि आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस या फिर यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली थिन लैपटॉप्स में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन बाकी लैपटॉप्स इसी प्राइस रेंज में आपको एच सीरीज वाले प्रोसेसर दे रहे हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको एच सीरीज देनी नहीं चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पे Gen 3 वाला प्रोसेसर है, तो इसमें जो है परफॉर्मेंस आपकी नो डाउट काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो इसमें हम इसको स्कोर दे सकते हैं 9 out of 10 दे सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसर थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रैम की और स्टोरेज की। तो रैम यहाँ पे 16 GB मिलेगा, जो कि सोल्डर्ड है पहले से ही वहाँ पे बोर्ड में, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको उतना में ही खुश रहना पड़ेगा। तो 16 GB रैम है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे 512 GB की SSD है, SSD आप एक्सपेंड कर सकते हैं, और ये जो SSD है वो यहाँ पे आपको NVMe SSD देखने को मिलता है, और एक स्लॉट और है जहाँ से आप जाके एक्सटेंड भी कर सकते हैं फ्यूचर में। तो अगर हम रैम की बात करें तो इसमें मैं देना चाहूँगा यहाँ पे 9 out of 10 स्कोर जो है, और अगर हम स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे हम 9 out of 10 दे सकते हैं, क्योंकि PCIe SSD नहीं है यहाँ पे, NVMe SSD है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ की है कंपनी ने कि RTX 3050 Ti ग्राफिक्स दिया है, जो कि अभी लेटेस्ट है, और ये रे ट्रेसिंग को भी सपोर्ट करता है, और यहाँ पे DLSS टेक्नोलॉजी जो है AMD की तरफ से उसको भी सपोर्ट करता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें आप काफ़ी अच्छे तरीके से गेम खेल सकते हैं। लेकिन एक बात मस्ट है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान में रखिए कि गेमिंग के लिए बिल्कुल भी इस लैपटॉप को आप मत खरीदिए। अगर आप ये सोचे खरीदने चाह रहे हैं कि हमें गेमिंग करनी है, तो गेमिंग आप भूल जाइए, बहुत ज़्यादा गेमिंग आप नहीं कर पाएंगे, कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है वो काफ़ी थिन है। तो यहाँ पे जो थर्मल्स वगैरह है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, ये थोड़ी सी डाउट वाली बात है। और इसी के साथ अगर हम दूसरी चीज़ों की भी बात करें कि 3050 Ti जो है वो फुल TGP के साथ नहीं आता है, और कंपनी ने कहीं पर भी मेंशन भी नहीं किया है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 60W हो सकती है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम TGP है वो लगभग आपको यहाँ पे 80-85W के करीब देखने को मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, लेकिन 3050 Ti देना ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी एक थिन एंड लाइट लैपटॉप में, तो इसके लिए हम 10 out of 10 इसको स्कोर दे सकते हैं। बाकी अगर हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि आपको 59 Wh की बैटरी मिलती है, जो कि लाइट वेट लैपटॉप के लिए मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और कंपनी क्लेम करती है 10-12 Wh की, लेकिन मैं कहता हूँ आपको 7-4
7 to 8 आवर्स आपको देखने को मिल सकती है इसकी बैकअप। और बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ जहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्क्लूजन की कि क्या ये लैपटॉप आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। तो इसकी जो प्राइस है वो लगभग 70 above है 75 above, तो करंटली अभी तो शो नहीं कर रहा है यहाँ पे क्योंकि, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको अगर प्राइस 60-65 के करीब में मिलती है तो बहुत ही अच्छा लैपटॉप हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस है यहाँ पे। सेल का वेट कीजिए बिग बिलियन या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का, आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में यह लैपटॉप देखने को मिल सकता है। तो अगर आप वीडियो क्रिएटर है, फोटोग्राफी या फिर ये सारी चीज़ें करते हैं ऑफिस वर्क वगैरह, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। ऑटो कैड वगैरह आप चला सकते हैं या फिर कलर ग्रेडिंग जैसे काम है थोड़े बहुत आप कर सकते हैं। बाकी आप गेमिंग के लिए बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये लैपटॉप खरीदें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ।